टाइटल पढ़ा ना, टाइटल में क्या था कि टॉप यूट्यूबर्स कितना कमाते हैं, टॉप यूट्यूबर्स कितना कमाते हैं। ये क्रेडिबल सोर्स से मैंने जाने, द हिंदू जो न्यूज़पेपर आता है उसके अंदर ये आया हुआ था कि जो टॉप यूट्यूबर्स हैं हमारे इंडिया के, जो हैं हमारे इंडिया के जो मेन मेन, मैं बता देता हूँ सिर्फ दो का ही नाम लूंगा क्योंकि मैंने उनके बारे में ही पढ़ा है यूट्यूब उस पे, द हिंदू न्यूज़पेपर में, जो संडे का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है। आज तारीख है, तारीख हो गई, आज तारीख क्या है भाई, 10 तारीख, 10 तारीख को जो पेपर आया है द हिंदू न्यूज़पेपर आया, उसके अंदर जो एक आर्टिकल आया है, आर्टिकल में बताया गया है कि टॉप यूट्यूबर्स जो इंडिया के वो कितना कमा रहे हैं, वो कमाते हैं 30 लाख से 1 करोड़ एक महीने का। ठीक है यार, क्या 30 लाख से 1 करोड़ एक महीने का, ठीक है। और कितनी वीडियो अपलोड करते हैं महीने की, एवरेज 2 वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक। तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं, जैसे आपने टाइटल में बात करते हैं, बात पढ़ी है। सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता है अमित भड़ाना और बीबी के वाइंस, ये दो ही यूट्यूबर हैं हमारे जो बड़े हैं बहुत ज्यादा, जिनके 12 और 13 मिलियन जो सब्सक्राइबर हैं, 13 मिलियन सब्सक्राइबर हैं अमित भड़ाना के और 12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं बीबी के, भुवन बाम के, जो उनके जिनका पूरा नाम है। अब उन्हीं के ऊपर जो ये आर्टिकल आया द हिंदू न्यूज़पेपर में, एक बहुत बड़ी चीज होती है द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आना। हिंदू न्यूज़पेपर एक जो आप सुनते होंगे पढ़ते होंगे, जो ज्यादातर यूज कौन करते हैं, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो उसको बहुत ज्यादा मतलब एक क्रेडिबल सोर्स मानते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं कि बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छी नॉलेज वो प्रोवाइड करता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा कि वो 30 लाख से 1 करोड़ रुपया हर महीना कमाते हैं, ये बात न्यूज़पेपर बोल रहा है, जैसे मेरे सामने है मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो यहाँ स्पेशल द, ये द हिंदू का न्यूज़पेपर है जो मेरे पास लैपटॉप में आता है, ठीक है। यहाँ लिखा अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू जो एनालाइज किया गया है, जो सोशल ब्लेड एक वेबसाइट है, कहते हैं कि जो टॉप इंडियन यूट्यूबर्स हैं वो 30 लाख से 1 करोड़ जो है एक मंथ में वो कमाते हैं, और एवरेज जो क्या है 2 वीडियो डालते हैं एक महीने के अंदर, ठीक है। तो ये बकायदा न्यूज़पेपर में है, जो द हिंदू न्यूज़पेपर में 30 लाख से 1 करोड़ रुपया कम नहीं होता भाई, बहुत होता है। और वैसे ये ऐसे नहीं यार कोई झटके में इन्होंने कमाने लग गए, इन्होंने बहुत मेहनत भी की है। ये आज जब मैं अखबार पढ़ा सोचा यार बताता हूँ कि कोई जरूरी नहीं होता कोई इंसान पढ़कर ही या कुछ स्पेसिफिक चीज कर कर ही कामयाब हो सकता है। अगर उसे कामयाब होना है तो उसके पास बहुत से अनगिनत रास्ते हैं। आजकल तो जो डिजिटल मार्केट इतना तेज हुआ हुआ है ना, उसके अंदर भी बहुत से वे। अब तो पता है यूट्यूब पे कैसे कमाई करते हैं, यूट्यूब पे कैसे वीडियो बनाते हैं, बकायदा इसका एक मतलब एक कोर्स करवा रहे हैं। जैसे अभी जो अमित बढ़ाना है उनके साथ एक VCO आई है, मुझे उनकी फुल फॉर्म याद नहीं है, एक मिनट में जरा चेक कर लूँ। जो अमित बढ़ाना है उनको उनके साथ जो एक मिले थे, ये VCOI है, वीडियो क्रिएटर ऑफ इंडिया, जो क्या करते हैं एक फुल सर्विस मतलब एक मार्केटिंग एजेंसी वो चलाते हैं, ठीक है। कैसे कास्टिंग करनी है, कैसे स्क्रिप्ट बनानी है, तो इन चीज का पूरा एक मतलब वो बताते हैं। अब क्या होता है जिसकी डिमांड होती है उसकी सप्लाई अपने आप बढ़ जाती है, डिमांड है वीडियो बनाने की तो सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, वो अपना वहां पे एक बिजनेस बनेगा। तो आजकल तो ऐसी चीजें भी आ गई हैं, कोई गलत नहीं है यार, उनको वो चीज अच्छी लगती है, वो चीज वो इंसान वो करेगा, ठीक है, उन्हें उन चीज में पकड़ है तो वो उस चीज को वो करेगा, अच्छी चीज है, करनी चाहिए। एटलीस्ट हम चाहे क्या रहे हैं, हमारी सक्सेस किस चीज से है, किसी को कुछ बनना है, किसी को पैसे कमाने हैं, हर एक की अपनी अपनी एक सक्सेस जिसे वो चाहता है वो समझने की कोशिश करता है, या वो चाहता है यार अलग चीज है यार सक्सेस पे, इतनी मेरे पास नॉलेज भी नहीं है मैं सक्सेस को समझा पाऊँ अच्छे से, ठीक है। तो मतलब ये है कि यार देखो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अगर आपका दिमाग किसी और चीज में चलता है तो उसमें भी चलाओ, क्रिएटिविटी करते रहो। कब तक एक बोरिंग लाइफ जियोगे, एक लाइफ है, इसके बाद कोई लाइफ तो मिलती है नहीं, ये तो है नहीं कि यार अभी ये लाइफ है इसमें ना थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, अगली जो लाइफ होगी ना यार उसमें अच्छे से जियेंगे, उसमें अपने दिल की करेंगे, करो यार। पता क्या है लाइफ में, एक ये जो अपनी लाइफ है ना वो टेम्पररी है, ठीक है, तो टेम्पररी है जो इसका अब
परमानेंट तो है नहीं कि हम यहाँ पर हैं कि यार सही से ये काम करते रहे, हमारी सही हो जाएगी, अब परमानेंट हम लाइफ जिएंगे अब अच्छे से। नहीं भाई, टेम्प्रेरी लाइफ है। टेम्प्रेरी लाइफ का मीनिंग ये है कि हम यहाँ, हमारी जो शरीर है वो कम से कम कितने साल यहाँ पर, 80 साल मैक्सिमम, 100 साल लगा लो यार, तब तक ही तो है, टेम्प्रेरी तो हुआ, परमानेंट तो है नहीं। ठीक है, तो गलतियाँ भी होती हैं, तो करो गलतियाँ, अपने आप को मतलब मोटिवेट करो कुछ करने के लिए, ऐसे खाली मत बैठो यार। मैंने बहुत से ऐसे देखा है कि वो खाली बैठते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता वो चीज़ को। यार देखो, हम खाली बैठ के भी कर भी क्या लेंगे, ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो करो ना, भले ही खेलने लग जाओ, भले ही शरारत करने लग जाओ, मतलब गलत काम मत करो ना, गलत काम करने के लिए नहीं बोल रहा, कुछ करने लग जाओ, ठीक है, तो उससे क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ तो एक्टिविटी होगी, वेले बैठने से तो कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी होगी। सारा दिन सोशल मीडिया में बैठने के अलावा कुछ और भी तो काम हो सकता है, ठीक है, सोशल मीडिया में फेसबुक के ऊपर अप एंड डाउन करने के अलावा, या व्हाट्सएप पे सारा दिन चैटिंग करने के अलावा, इसके अलावा भी बहुत कुछ काम हो सकता है भाई मेरे, ठीक है, तो वो चीज़ भी करनी चाहिए इंसान को। बस ऐसे ही बात करने का मन किया, अकेला बात कर रहा था, सोचा कैमरे से बात करनी स्टार्ट कर दूं। देखो मैं भी तो कुछ कर ही रहा हूँ ना यार, मैं भी तो वेला बैठा था, सोचा यार करता हूँ ऐसे बात, सोच रहा यार ऐसे ऐसे यार ऐसे होना चाहिए। मैंने सोचा क्यों ना यार कैमरे के साथ ही बकवास कर लूँ, कैमरे के साथ बकवास करूंगा तो 2-3 बंदे सुन लेंगे अपनी बकवास। अब देखो यहाँ मैं बोलने वाला हूँ, यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हो, आप सुन ही सकते हो, ठीक है, मेरी सुननी भी पड़ेगी। तो बस यही बताना चाह रहा था यार कि सक्सेस ना यार कोई सिर्फ एक वे पे नहीं है कि या इसी रास्ते पे चल के आपको सक्सेस मिलेगी, या ये काम पर्टिकुलर काम करने से, वो सी चीज़ें होती हैं, आप उसमें भी वो कर सकते हो, जैसे कि आपको पता भी है। ठीक है, बस एक छोटी सी चीज़ शेयर की थी, अच्छी लगी यार। 30 से 1 करोड़ लाख, 30 से 1 करोड़ रुपया बहुत होता है यार, 30 लाख से 1 करोड़ रुपया 1 महीने का भाई साहब बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब क्या कर सकते हैं यार। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा होगा तो पक्का शेयर करूंगा यार, पक्का शेयर करूंगा। चलो बाय।